तो गाइस सभी लोग बैठ चुके हैं बस में। कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना। गाइस ये रही रेणुका जी। एक्सीडेंट। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल और काफ़ी यूनिक होने वाला है, क्योंकि हम कॉलेज की ट्रिप से जा रहे हैं आज रेणुका जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और काफ़ी टूरिस्ट वहां पर आते हैं। और रेणुका झील काफ़ी पुरानी भी है, तो इस वजह से भी काफ़ी फेमस है। तो मस्ती मज़ाक काफ़ी होने वाला है और मज़ा आएगा आपको इस ब्लॉग में। तो मिलते हैं गाइज आपको आगे के सफ़र के लिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं धर्मपुर और अर्जुन भी हमारे साथ है, जो कि हेलो कर दिया है ये अर्जुन। तो गाइज सभी लोग बैठ चुके हैं बस में और दो बसें हमारी, सभी बुक मैं बाहर दिखा देता हूँ। बस पहली वाली इस पर हम नहीं बैठे, ये वॉल्वो टाइप है, थोड़ी ठीक है, इसमें थोड़ा कंफर्टेबल भी रहेगा, दूर का सफ़र है। तो चलते हैं गाइस आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं। सो गाइस हम निकल चुके हैं रेणुका के लिए। हम पहुंच चुके हैं रेणुका जी और अभी परशुराम झील के पास हैं हम, और सारे भाई बंधु फोटोग्राफी भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो दिखाता हूँ मैं आपको रही परशुराम की झील, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है देखने में, और इसमें मछलियाँ जैसी भी काफ़ी है यार। और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही शानदार और शांत वातावरण और बढ़िया सा नज़ारा। और ये हमारी बसें खड़ी हुई हैं यहाँ पर। पहुँच चुके हैं मंदिर में। और ये सभी लोग यहाँ पर पधार चुके हैं और ये झील का जो वातावरण है वो काफ़ी शांत आ जा रहा है। वाह, बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पर आकर, बहुत ही शांत वातावरण और झील काफी सुंदर दृश्य, इतना सुंदर है दृश्य। सफेद देखिए पेड़ ही पेड़। ये खूबसूरत वादियों में हम आ चुके हैं और ये है मंदिर माँ रेणुका जी भगवान परशुराम जी, और ये परशुराम झील है जो कि काफी सुंदर है। वाह 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 वाह।
और ये मछलियाँ यहाँ पर। गाइस ये रही रेणुका झील। वाह यार व्हाट अ ब्यूटी। बोटिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि हम पानी से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, तो दूर ही रहेंगे हम। घर वालों ने हमें मना किया है पानी से, कृपया दूर रहें। हम करेंगे लेकिन हम ऐसे हम थोड़ी देर में हम वोटिंग करने जाएंगे क्योंकि हम झालू बच्चे हैं, क्योंकि हम झालू बच्चे हैं। वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं हम। हमारी वोट रही, अभी पर्ची कटा रहा है अर्जुन, और थोड़ी देर में हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। हो चुके हैं हम लाइफ जैकेट पहन के, भाई लोग बैठ चुके हैं। चल आगे चल, सीधा चल, सीधा आगे चलो। हुआ तुम्हारे साथ एक बंदा, एक बंदा हुआ। आजो मेरे पास लास्ट में। कैप्टन अर्जुन के साथ हम निकल चुके हैं। कैप्टन अंशुल और ये यहाँ पर किस्ती चल रही है। हेलो, आपने जैकेट क्यों नहीं पहनी है? रेणुका झील और काफी ठंड भी लग रही है ना, लग रही है। और मजा आ रहा है काफी, बस बुखार नहीं आना चाहिए, बीमार नहीं होने चाहिए। और पानी भी काफी ज्यादा खतरनाक है, वैसे डरते हम पानी से पर इतना नहीं। गाइस मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, और वो जो गुब्बारे जैसे लगे वहाँ तक हम जा सकते हैं। पूरी हिल रही है भाई, ये सही में हिल तो रही है, फट भी रही है मेरी। टेंशन ना लो, तुम नहीं डूबते भाई, टेंशन ना लो, बस ये कपड़े नहीं है साले। और और अब लगने वाली है रेस। 1 2 3 स्टार्ट। अरे पकड़, शाबाश 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 शाबाश, रेस लग गई है। ओ भाई, चलो चलो रे, रेस बढ़ा रेस बढ़ा रेस बढ़ा, रेस बढ़ाओ भाई, आगे चले गए वो, आगे आगे चले गए बंदे यार। ये नहीं आ रहा, ये वाली पीछे लेनी पड़ेगी। मार हमारी में ग्रीस कम है, ग्रीस कम है इसमें, ग्रीस। हाँ भाई ग्रीस की गलती नहीं है भाई, टांगों में कमजोर है। और जान और जान। ओए आगे बंदा गेट में, चलो 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 आगे आगे, थके बंदे थके थके थके, चलो चलो काम से मार रहे। वही तो जवाब देंगे। नहीं यार ये इसमें हैवी है थोड़े, है ना, हैवी है कुछ, हैवी है। चल चल चल, मैं आऊँ इस साइड। वो लम्हे वाह यार, वहां से फोटो खींच, चल फोटो खींच अपने पापा की। हे नहीं यार, अरे लाल संडी से मना किया, इससे आगे जाना यार, या बजाई होनी यार साहिल, इससे आगे जाना यार। पानी का बहाव ज्यादा, पानी का बहाव ज्यादा होना ना। राइट 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 राइट, एक्सीडेंट, ड्राइवर ठीक नहीं है ड्राइवर। और हम बहुत दूर आ चुके हैं यहाँ से, और ये काफी ज्यादा भीड़ में। आगे हो गए, आगे नहीं रेस वहां तक दी, नहीं ज्यादा है, ज्यादा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे पानी का ज्यादा भाव है पर साइड। लगाएंगे बीच में थोड़ा हल्का हो जाता है नहीं, उनका क्या बनी नहीं रहा रही, जिस साइड से ज्यादा कितनी स्पीड में चली हुई, हमारी भी इतनी थी यार ना। अमेज़न का जंगल लग रहा है, अमेज़न जंगल, अमेज़न का जंगल लग रहा है भाई, देख तू व्यू देख, एनाकोंडा भी है यहाँ पे, यहाँ पे गहरा होना राहुल भाई पानी है वे, तभी जा रही है तू चेतन है। ओए रस्ते जाके आगे बढ़,
अरे नीचे झुको, नीचे झुक, रस्सी से ऊपर आ गया। नहीं टाइम क्या था, इस बोटिंग कर रहे हैं इस टाइम तो 5 मिनट बचे हैं, अब हम जा रहे हैं वापस। पक्का टाइम बिजगी बिजगी मेरे ख्याल से अब बाहर आना गया। भैया जू में क्या क्या है देखने के लिए? तेंदुआ है, भालू है, जंगली बिल्ली। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। ज्यादा ही है तो यार। देखिए गाइस ये है यूनिक चीज, और जो इस पानी को पीता है उसके दर्द दुख सारे दूर हो जाते हैं ऐसा कहा गया है। और कैसे प्रकृति का एक मुख। सो गाइस हम आ चुके हैं जू में, और यहाँ पर लेपर्ड आपको दिख रहा होगा छोटा जैसा। गाइस ये है भालू, प्यारा फाड़ के रख देता है समझा, प्यारा प्यारा कुछ नहीं। मोटे कौन से खुराक खाता है यार, खा खा के फैलता जा रहा है, बहुत बड़ा यार, जिम जिम मार जाके। तो यहाँ पर होती है सुखना लेक खत्म, और यहाँ पर आपको एक लेपर्ड और 3 लेपर्ड और 1 भालू मिल जाएगा देखने के लिए, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। परशुराम जी, तो यहाँ हजारों साल परशुराम जी ने तपस्या की थी, और यहाँ की पूरी कथा यहाँ पर बताई गई है। माँ रेणुका को का मंदिर, जय हो माता। गुल्लर वृक्ष जो कि लगभग 200 साल पुराना बताया जा रहा है, और इस पे लगा भी है कुछ छोटी छोटी चीजें, और काफी बड़ा। चलते हैं हम भी। और ये शाम हो चुकी है अब, और सारा कॉलेज जो है जंगलियों की तरह बिखर चुका है, और मतलब ऐसे नहीं है कि सामान 5 स्टार वाला है। देखिए नई नई चीजें दिखाए आप, ये देखिए तकिया नया बिल्कुल। अब ये आपको पड़ेगा 200 रुपए का। और जाइए आप ऐसे ऐसे नहीं हो, इससे बेकार तो वो होती है जो शादियों में उसमें शैन होती है सारी। इसमें पंखे भी है पर इतनी जरूरत नहीं है, और बढ़िया अरेंजमेंट है सर। आपको महंगा वाला चाहिए छोटू? चटूर महंगे वाले का। और अभी थोड़ी देर में महफिल भी जमने वाली है, इस चीज का ध्यान रखें आप। के लिए लाइन लग चुकी है, और ये चाय और पकौड़ा भी मिलेगा इनको, उसके बाद हम महफिल जमाएंगे अपनी। अण दो बदले हैं मेरे देवर क्यों आजकल, आगे मेरी ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ गोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, हसीने में दिल भी कहां थी मुझे ये खबर। कहीं पे हो रहा
कहीं पे सवेरे आवारगी रही साथ मेरे ठहर जा ये कहती है मेरी नजर क्या हाल हो गया है ये मेरा आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह जरूरी कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ कहीं पे पुराने कहीं पे सवेरे आवारगी रही साथ मेरे ठहर जा ये कहती है मेरी नजर हाल हो गया है ये मेरा ये मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ। तो गाइस खाने के लिए बना है गाजर पाक। और ये हमारे नए उभरते हुए भूत सो व्हाट्स अप गाइस गुड मॉर्निंग एंड आज रामपुर में लगातार दूसरा दिन है और हम आज रेणुका से निकल चुके हैं और रास्ते में हमें एक प्यारा सा मंदिर दिखा है शिव मंदिर तो बहुत ही यूनिक है और झरनों के नीचे भाई और व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। हम आ चुके हैं बड़ी ही बेरहम जगह और नज़ारा देखो इतना प्यारा नज़ारा है और मंदिर नीचे शिव भगवान का मंदिर है ना और इधर से हम नदी से आए ऊपर को और भाई इधर क्या ही प्यारा झरना है देखो ऊपर से पानी बह रहा है वाह और ये पानी पीने लायक है मतलब कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना ऐसे दिख रहा है और ऊपर मंदिर दिख रहा होगा आपको वाह यार हाँ चलो गाइस हम वापसी की ओर जा रहे हैं अपने घर के लिए
सो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और अभी करीब 2:30 बज रहे, तो अब फ्रेश फ्रूश होके बढ़िया खाना खाऊंगा और रेस्ट करना है क्योंकि थकान काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो मिलता हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो करते हैं आज का ब्लॉग एंड और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।